यूक्रेन में रूसी फौज की तरफ से बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन के 92 ठिकानों पर एक साथ बम बरसाए गए हैं। बड़ी स्ट्राइक हुई है रूस की तरफ से। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को निशाना बनाया गया है। एक दिन में 118 जगहों पर हमला किया गया। यूक्रेनी जमीन पर रूसी फौज के विध्वंसक हमले, एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बन रहे हैं निशाना। रूसी फौज ने डोनेस और खार्किव में बारूद की बारिश कर दी है। यूक्रेन के 92 आर्टिलरी यूनिट को निशाना बनाया गया है। वहीं 118 से ज्यादा जगहों पर रूसी फौज ने गोले दागे। ये दावा खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशिकोव के मुताबिक यूक्रेन आर्म फोर्स के ठिकानों की पहचान कर उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, तोप, टैंक और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने पिछले एक महीने में 4 एयर स्ट्राइक की, वहीं 15 मिसाइलें दागी। यूक्रेन आर्म फोर्स के मुताबिक रूसी हमला रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। खास तौर पर नेप्रो, डोनेस्क और खेरसोन में हमले किए गए। रूस ने MLRS के जरिए 50 हमलों को अंजाम दिया।